हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ दर्शित गोयानी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आइए हम देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगले लेक्चर में हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया। मुझे पता है कि शायद आपको वो समझ में आ ही गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पर्सनली मुझे मेरे साथ बात कर सकते हैं। देन आफ्टर हम पढ़ने वाले 4.5.4 टॉपिक पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर मेंडेले ने जो बात की थी उसके बारे में हम बात कर ले हैं। मेंडेले ने जो बात की थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेंडेले ने जो बात की थी वो हम बात कर ले पहले। तो मेंडेले ने अभी तक जो बात की है, उसने अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें मेंडेले ने सिर्फ ऐसी ट्रेट्स ली थी जिसके अंदर ऐसी ही ट्रेट्स ली थी जिसके अंदर पर्पल और व्हाइट एग्जांपल दी गए, फ्लावर के कलर अल्टरनेट उसने ट्रेट्स ली थी जिसके अंदर फ्लावर के कलर आ जाते पर्पल और व्हाइट एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया। उसके अलावा भी उसने एक ट्रेट्स ऐसी ली थी स्मॉल हाइट और लार्ज हाइट वाले प्लांट। तो इसके बारे में बात करे तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में ये जो मेंडेले ने वर्क किया था उसके अलावा बट लिखा है, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर अ मेनी ट्रेड्स। बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी होती है जिसके अंदर विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। मतलब बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी होती है और ट्रेड्स उसके अंदर ये जो डिस्टिंक्ट अल्टरनेट पॉइंट्स है वो दिखाई नहीं देते। मतलब उन दोनों के बीच के भी बहुत सारे कैरेक्टर है वो हमें दिखाई देते हैं। मैं ऐसे ही एक आपको बात कर देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बात करता हूँ कि प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, इसके अलावा पर्पल और व्हाइट। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट के अंदर कैरेक्टर होते हैं। पर्पल और व्हाइट की बात तो मेंडेले ने की थी, लेकिन अभी मैं आगे एक बात करने वाला हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पी प्लांट के अंदर हम बात करें तो लीव की साइज, पी प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो लीव्स की साइज, लीव्स मतलब पी प्लांट एक ही है, उसके अंदर बहुत सारे लीव्स आए होते हैं। उसमें कोई सारे लीव्स छोटे हो गए, बहुत सारे लीव्स बड़े हो गए, और उन दोनों को बीच के भी मतलब बीच के साइज के भी लीव्स हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट अल्टरनेट हमें यहाँ पे सीन नहीं होता। उसके अलावा भी हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उसके अलावा भी हमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं, वही एग्जांपल है। और उसके अलावा हमें ह्यूमन हाइट्स के बारे में भी हमारी बुक्स के अंदर बात की है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। हम सिर्फ टॉल और शॉर्ट पीपल के बारे में बात नहीं करता है। आर टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट वर्ल्ड रेंज आर पॉसिबल। मतलब सारे जो ह्यूमन होते हैं, यहाँ पे मैं ह्यूमन की बात की कर देता हूँ कि ह्यूमन होते हैं, एच फॉर ह्यूमन, तो दो पॉसिबिलिटी रहती है। ह्यूमन टॉल हो गए, थोड़े बहुत कुछ टॉल हो गए, और थोड़े बहुत कुछ शॉर्ट प्यूपिल हमें दिखाई देते। ये दो ही ट्रेड्स पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा भी प्यूपिल हमें दिखाई देते हैं जो इन दोनों की बीच के साइज के हो, इन दोनों की बीच की साइज का। मतलब वो टॉल भी नहीं होगे और शॉर्ट भी नहीं होगे, मतलब बहुत सारी रेंज पॉसिबल है। उसकी हाइट के कैरेक्टर को हम देख रहे हैं, ह्यूमन की हाइट के कैरेक्टर। तो ऐसा ही हम मेंडेले के एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते थे। मैंने आपको पहले भी लीव्स की बात की, तो दो टाइप्स के लीव्स होते हैं। पी प्लांट मतलब ये जो पी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पी प्लांट के डिपेंड में है, उसके अंदर लार्ज लीव्स है और स्मॉल लीव्स है। ये स्मॉल लीव्स है, इसकी डिपेंड इन दोनों को बीच में भी बहुत सारे लीव्स ऐसे होते हैं जो लार्ज भी नहीं होते और स्मॉल भी नहीं होते। मतलब पॉसिबिलिटी है, यही दो कैरेक्टर लार्ज और स्मॉल, ये दो ही अल्टरनेटिव कैरेक्टर ट्रेड्स को हमें ध्यान में नहीं ले, उसके अलावा भी बहुत सारी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी रेंज पॉसिबल है इसकी लीव्स की साइज को ध्यान में रखते हुए। तो वैसा ही ह्यूमन के अंदर है, हम आगे देखने वाले हैं वो विथ अ फिगर के उसके अंदर कैसी कैसी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। सच अ ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल बाय थ्री और मोर जीन्स। मतलब ये जो
ये थ्री और मोर जीन्स लिखा है, मतलब ये जो शॉर्ट और टेल, हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन, बहुत सारे ह्यूमन ऐसे होते हैं जो टेल होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, और बहुत सारे ह्यूमन होते हैं जो शॉर्ट भी नहीं होते और टेल भी नहीं होते। तो उसके अंदर जो जीन्स है वो दो से ज्यादा होगा, मतलब थ्री और मोर, तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा जीन ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तीन से ज्यादा जीन ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब तीन से ज्यादा जीन आया, मतलब उसके लिए हमने पॉलीजेनिक ऐसा वर्ड यूज किया है, हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा वर्ड यूज किया है। पॉली, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कैरेक्टर को दिखाने के लिए, ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ऐसी ट्रेड्स को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, जिसके अंदर दो से, सॉरी, तीन से ज्यादा जीन आए होंगे। और ऐसा ही एक एग्जांपल हम बात कर ले तो आप बोलोगे कि सर पहले तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक पॉइंट ए था कि पेरेंट होते हैं, पेरेंट के अंदर एक था टेल और एक था शॉर्ट, दो पेरेंट थे, उसके अंदर से एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में से कुछ भी नहीं रहा तो दोनों के कैरेक्टर हमें, दोनों के आधे आधे कैरेक्टर दिखाई देंगे, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ दो ही जीन्स, मतलब जो अल्टरनेट जो दो ही जीन्स थे वही पॉसिबिलिटी थी, मतलब दो ही जीन, जो अल्टरनेट, टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव जो जीन थे वही वहां पे पॉसिबल था, मतलब उन दोनों के बीच का ही कुछ आएगा, लार्ज आएगा या शॉर्ट आएगा, उन दोनों की बीच का ही कोई, लार्ज और शॉर्ट उन दोनों के बीच का ही कुछ पॉसिबल होगा, मतलब कोई भी डोमिनेंस नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, कोई भी डोमिनेंस नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं, दोनों के कैरेक्टर हमें आधे आधे दिखाई देते हैं, दोनों के कैरेक्टर हमें आधे आधे दिखाई देते हैं। लेकिन उसके अंदर ये जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, एक्सप्रेस होता है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही जीन रिस्पॉन्सिबल थी। और यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दो से ज्यादा, मतलब थ्री और मोर जीन, फिर से मैं बता रहा हूँ, थ्री और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए। ऐसे थ्री से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स। हमने ह्यूमन का बेस्ट एग्जांपल दिया है कि हम ह्यूमन की बात करें तो आधे ह्यूमन शॉर्ट होते हैं, आधे ह्यूमन टॉल होते हैं, उन दोनों के बीच की रेंज भी हाइट में पॉसिबल है। तो उनके अंदर जो जीन्स है वो तीन से ज्यादा होगा, उसका जो वो हाइट का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए दो नहीं होगे, दो से ज्यादा, मतलब तीन से ज्यादा जीन होगे, तीन से ज्यादा जीन कोई एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही कैरेक्टर को तीन से ज्यादा, मैं फिर से बताता हूँ, तीन से ज्यादा, ये तीन है, इस तीन से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीप्लाई जीन, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीप्लाई जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट इन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। ऐसा क्यों होता है? तो उसके एनवायरमेंटल जो कोई कंडीशन है वो भी ए मल्टीप्लाई जीन रिस्पॉन्सिबल, मल्टीप्लाई जीन्स जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए ये भी एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जो रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब ये थ्री जीन क्यों आए ह्यूमन के अंदर, ऐसे थ्री और मोर जीन क्यों आए जो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जो इसकी वजह से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले सब मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके वेट अ मिनट, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। ओके चला, चलो ओके ओके। उसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन का जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे अनाउंस करके आपको दिखाता हूँ, अनाउंसमेंट करके दिखाता हूँ। यस,
रेड कलर से मैं लिखने वाला हूँ। ह्यूमन स्किन का बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि ह्यूमन स्किन का जो कलर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ह्यूमन स्किन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल फॉर दिस इन अ पॉलीजेनिक ट्रेड्स द फिनोटाइप्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलल द इफेक्ट ऑफ ईच एलल इज एडेप्टिव। मतलब फिनोटाइप्स है जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स के जो फिनोटाइप्स और रिफ्लेक्ट होते हैं और कंट्रीब्यूशन होते हैं सारे एलल में, तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द बेटर अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स अस एज्यूम थ्री जीन। हम कोई तीन जीन लाइक ए बी और सी जो ह्यूमन स्किन के जो कलर है उसको कंट्रोल करता है ऐसा हम मान लेते हैं तो ए बी और सी ये तीन जीन है वो ह्यूमन की स्किन के कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए अगर डोमिनेट की बात करें तो ए बी सी तीन जो जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ये तीन जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन की डार्क स्किन, जो ह्यूमन की डार्क स्किन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वो ह्यूमन की लाइट स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रिसेसिव है। द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेट, अब जीनोटाइप्स विथ ऑल डोमिनेट, अब इसके जीनोटाइप्स की बात करें, अभी तक हमने फिनोटाइप्स मतलब हमने हमें पता है कि जो हमें दिख रहा है रिप्रेजेंट होता है उसको हम फिनोटाइप्स बोलते हैं, और जीनोटाइप्स मतलब उसके अंदर कितने टाइप्स के जीन पॉसिबल है, कितने टाइप्स के एलल है। तो जीनोटाइप की बात करें तो डोमिनेंट एलल कैपिटल के कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कैपिटल वी विल हैव द डार्केस्ट स्किन, मतलब ह्यूमन की डार्क स्किन के लिए डोमिनेंट एलल रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही रिसेसिव एलल की बात कर दें तो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर, ह्यूमन की जो लाइट स्किन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद द थ्री डोमिनेंट एलल, मतलब अब जीनोटाइप हमें मिले हैं जो तीन है वो डोमिनेंट है और तीन है वो रिसेसिव है, विल हैव अ इंटरमीडिएट स्किन कलर, वो दोनों अपने अपने स्किन कलर दो टाइप के स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थ्री डोमिनेंट एलल है लाइक ए बी बी और सी सी वो डार्क स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और थ्री रिसेसिव एलल है लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वो लाइट स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलल इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्केस्ट और लाइटेस्ट ऑफ द स्किन इन इंडिविजुअल, मतलब इसमें से कौन सा एलल फ्यूचर में चाइल्ड में आने वाला है इसके डिपेंड में हमें पता चलेगा। कि अगर हम बात करें कैपिटल ए और कैपिटल ए आया तो ह्यूमन की स्किन का कलर डार्क होगा, और स्मॉल ए और स्मॉल ए आया तो ह्यूमन की स्किन का कलर लाइट होगा। लेकिन इनके अलावा हम बात करें ए और ए, एक कैपिटल एक स्मॉल, उसके बाद एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, उसके बाद एक कैपिटल सी और इसके बाद एक स्मॉल सी, ऐसा आया तो उसकी अंदर दोनों के मतलब दो से ज्यादा जो मतलब तीन से ज्यादा जो जीन रिस्पॉन्सिबल है तो ह्यूमन की स्किन की कलर ना तो डार्क होगी ना तो लाइट होगी, उन दोनों की बीच का जो हमें रिप्रेजेंट कैरेक्टर होने वाला है। तो ऐसे बात करते हैं, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम उसको फिगर से अब यहाँ पे हम देखते हैं पी जनरेशन, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेरी लाइट है और सारे कैपिटल वेरी डार्क है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो फर्स्ट F1 जनरेशन मिलेगी। F1 में दोनों में से आधे आधे कैरेक्टर हमें मिलेगी, जैसे हमने मेंडेले के एक्सपेरिमेंट के अंदर वर्क किया था ऐसे। तो एक ईग है और एक स्पर्म है, इसको हम
क्रॉस इनिबिशन एफ वन जनरेशन को करवाते तो एफ टू जनरेशन मिलती है उसके अंदर। अब यहाँ पे तो आपको पता है मेंडेले का आपने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हमें क्रॉस करना है, एफ टू जनरेशन है इसके अंदर। जो 64 हमें 64 प्रोजनी पॉसिबल है उसमें से एक प्रोजनी का कलर लाइट आएगा, एक प्रोजनी का कलर लाइट आएगा, सिक्स का इस तरह से आएगा, फिफ्थ का थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क, 64 में से 20 का थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क, उससे ज्यादा डार्क 15 का, 6 का उससे ज्यादा लाइट, और एक ऐसा होगा वो पूरा का पूरा वेरी डार्क होगा। तो अब हमें पता चल जाएगा कि कितने मतलब हम यही आगे पढ़ने वाले हैं, हम यही मैं यही अभी तक बता रहा हूँ कि जब हमने बात की थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बात की थी कि वेरी लाइट और वेरी डार्क के बीच का कैरेक्टर भी शो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच का कैरेक्टर शो नहीं होता। तो ये सारे जो कलर्स हमें ह्यूमन स्किन के अंदर दिखाई देते हैं इसके लिए 3 से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो गए, 3 से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो गए इसीलिए ऐसा हुआ है, इसीलिए इतने बहुत सारे कलर्स हमें एफ टू जनरेशन में दिखाई देते हैं। तो ऐसी ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बात करते हैं, ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर 3 से ज्यादा जीन्स एक ही कैरेक्टर को 3 से ज्यादा जीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीन कौन कौन से जीन्स है वो भी हमें पता है, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसे ही कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन दिखाया है 1, 6, 50 और 20, स्किन पिगमेंटेशन कैसे चार्ट धीरे धीरे मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे कैसे चार्ट लो हो जाता है। ये आपकी बुक्स के अंदर नहीं दिया, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई ये बीच के जो ये तीन चार जो चार्ट दिए गए है वो हमारे है पॉलीजेनिक इनहेरिटेशन, मतलब इसके अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर, मतलब 3 से ज्यादा जीन्स है। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था उसके अंदर सिर्फ दो ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दो ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे, टू ही जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे हमने बात की कि तीन से ज्यादा जीन अगर एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा बन जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एक इमेज है, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, यस ये भी आपको दिखाई देता है कि ये वेरी लाइट है और वेरी डार्क है, उसके बीच के ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये मीडियम, उसके अंदर जो 3 नंबर का है उसके वो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, मतलब उसके अंदर वेरी लाइट और वेरी डार्क उन दोनों के बीच का कैरेक्टर शो हो रहा है और उसके अंदर 3 जीन, मतलब इन सबके अंदर 3-3 जीन ही रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई जीन्स का जो एलएल है वो कम होगा, कोई लो होगा। यहाँ पे दिखा है लाइट डीएलएल इसके अंदर 6 है, इसके अंदर डीएलएल जो डार्क है वो 0 है, यहाँ पे इसके अंदर लाइट एलएल है वो 0 है, यहाँ पे 6 एलएल है वो किसके है डार्क के है। वैसे ही आपको यहाँ पे 1, 5, 2, 4, 3, 3 मतलब इसके अंदर सब डार्क के भी 3 है और लाइट के भी 3 है, मतलब ये हमारा मीडियम हुआ। यहाँ से मतलब मीडियम से हम चले जाए लाइट, तो 4 जिन लाइट के, 2 डार्क के, 5 लाइट के, 1 आते हैं डार्क के। ऐसे यहाँ से मीडियम से वेरी डार्क तक जाएंगे तो 2 आते हैं लाइट के और 4 आते हैं डार्क के, 1 आते हैं लाइट का और 5 आते हैं डार्क के, वैसे ही 0-0 हो जाएगा। ये भी हमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अच्छे से समझाने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर देखें तो एक मेल है उसके जो हेयर है स्ट्रीट है और दूसरी एक फीमेल है उसका जो हेयर है कर्ली है, तो उसके आने वाली प्रोजनी में उन दोनों का बीच का कैरेक्टर शो होता है, मतलब दोनों के आधे आधे जो जीन्स है
वो आते हैं और उन दोनों के वो जो उसकी जो आने वाली फ्यूचर चाइल्ड है उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ कर्ली और थोड़े बहुत कुछ स्ट्रीट ऐसे हेयर हमें दिखाई देते हैं। तो कोई भी डोमिनेट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल सकते हैं। ये हमारा इनकम्प्लीट क्योंकि इसके अंदर दो ही जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमने तो बात की पॉलीजेनिक के अंदर तीन से ज्यादा जीन, अगर तीन से ज्यादा जीन हो गए तो ही ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीन के बारे में, ह्यूमन स्किन के कलर के बारे में, पिगमेंट के बारे में बात करें तो प्योर व्हाइट है, मतलब जो लाइट है वो कैपिटल है स्मॉल, सॉरी स्मॉल है कैपिटल, स्मॉल बी स्मॉल सी और अदरवाइज उसके साथ क्रॉस करवाना है सारे कैपिटल ए बी और सी को। उसके अंदर हमें जो F1 प्रोजेनी मिलेगी वो मीडियम, मतलब दोनों के कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो गए। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन करवाओ तो जीरो, मतलब एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो प्योर व्हाइट होगा। उसके बाद धीरे धीरे ए बी सी तीनों के अंदर एक एक जो जीन्स है वो प्योर रेड का है, मतलब इसके अंदर पिगमेंट थोड़ी बढ़ेगी। उसके बाद दो में थोड़ी बढ़ेगी, तीन में मैक्सिमम पिगमेंट होगी, मतलब मीडियम। उसके बाद फोर में कम, फाइव में कम और सिक्स में प्योर रेड होगी। जैसे ही हमने इसके पहले भी देख लिया है यहाँ पे कि एक हमारा प्योर वेरी लाइट होगा और एक हमारा वेरी डार्क होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे हमें जीनोटाइप्स के डिपेंड में दिखाया गया कि कितने टाइप्स के जीनोटाइप पॉसिबल है। इन दोनों को क्रॉस कराओ, उसके बाद इसको सेल्फ F1 प्रोजेनी को सेल्फ फर्टिलाइज कराओ, F1 प्रोजेनी को सेल्फ फर्टिलाइज कराओ तो कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी ये हमें मिल सकती है, वो ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया है पिलियोट्रोपी। व्हाट इज अ पिलियोट्रोपी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा है, आपको इजीली समझ में आएगा। पिलियोट्रोपी मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक जीन है वो तीन फ्यूचर्स मतलब तीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने दिखा है पॉली के अंदर कि तीन जीन होते हैं पॉली के अंदर, अब तक हमने पॉली के अंदर देखा थे कि भाई तीन जीन थे, ये जो तीन जीन ये तीन कैरेक्टर है वो तीन कैरेक्टर एक ही जीन रिप्रेजेंट करता है तो उसको पिलियोट्रॉपी बोलते हैं। और पॉलीजेनिक को हम क्या बोलते हैं, तो भाई तीन जीन है, तीन जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, उसको हमने बोला था पॉलीजेनिक। और यहाँ पे एक ही जीन उसका उल्टा मतलब पॉलीजेनिक का उल्टा करो तो पीरियोट्रोपी होता है, एक ही जीन तीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक ही जीन तीन कैरेक्टर को। और यहाँ पे तीन जीन थे वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पे एक जीन है वो तीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर से मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस, आपको खास और खास याद रखना है। पहली बात मैं करूँ यहाँ पे अच्छे से दो टेबल बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जीन्स G4 जीन्स और ये हमारा है कैरेक्टर, कितने टाइप्स के कैरेक्टर दिखाए जी और सी। अगर हम बात करते हैं पॉली की, अगर हम बात करते हैं पॉलीजेनिक की बात करते हैं, ओके पॉली की अगर हम बात करते हैं तो पॉली के अंदर तीन जीन है, तीन जीन होके एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते थे, तीन जीन होकर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही अब इसका उल्टा पिलियो के अंदर P, L और E तीन ही अल्फाबेट्स लिख रहा हूं। आप आई होप कि आप समझ जाए कि अब इसके अंदर एक जीन है, एक ही जीन है वो तीन कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वो तीन कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया वन जीन इफेक्ट मल्टीप्लाई कैरेंजर के, भाई एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को, तीन नहीं पर बहुत सारे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो तीन से ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई कैरेक्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई कैरेक्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई कैरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक ही वर्ड दो तीन बार बोल रहा हूँ, आई होप कि आप समझ जाए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरा पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। तो
तो हम पढ़ते हैं प्लियोट्रोपिक, वी हैव अ सो फेयर सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप्स और ट्राई, के भाई एक ही जीन है वो अब तक हमने देखा है कि एक जीन है वो एक ही फिनोटाइप्स का कैरेक्टर है और रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका एक ही कैरेक्टर होता है, लेकिन देयर आर हाउएवर इंस्टेंट वेयर आर अ सिंगल जीन, कि एक ही जीन है कैन एग्जिबिट मल्टीप्लाई फिनोटाइप्स एक्सप्रेशन सच अ जीन कॉल एज अ प्लियोट्रोपिक, ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, जो एक ही जीन है वो दो तीन से ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करता है। अब तक इसके पहले हमने देखा था कि भी एक जीन होता है उसका एक ही फिनोटाइप्स होता है, उसका एक ही फिनोटाइप्स मतलब वो एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद प्लियोट्रोपिक में हम देखते हैं कि सिंगल जीन है वो बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं जिससे आपको एग्जाम्पल हो। यस, द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केस इन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप्स, बहुत सारी मैकेनिज्म है जो हमें एक जो हमारा जो प्लियोट्रोपिक का जो जीन्स है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके, इसके लिए मोस्ट केस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेटाबोलिक पाथवे जीन्स ऑन मेटाबोलिक, जो जीन का मेटाबोलिक पाथवे है उसके अंदर कोई चेंजेस आए, यहाँ पे बताता हूँ जीन का जो मेटाबॉलिक पाथवे उसके अंदर कोई चेंजेस आए तो एक जीन जो एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता था उसके अलावा अब वो तीन से ज्यादा और बहुत ज्यादा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है, मतलब प्लियोट्रोपिक जीन कब बनता है जब उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर कोई डिस्टर्बेंट कोई डिफरेंट आए और उसके अंदर कोई चेंजेस हो तब ऐसा होता है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिजीज का जो ह्यूमन के अंदर होता है वो है फिनाइल किटोनोरिया डिजीज है जो ह्यूमन के अंदर होता है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, मेरा कर्सर आपको शायद ना दिखाई दे इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ, फिनाइल किटोनोरिया जो ह्यूमन डिजीज है इसका बेस्ट एग्जांपल है, मतलब इसके अंदर होता क्या है कि एक जीन होता है वो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का उसका वर्क है, लेकिन वो जीन अब उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आने की वजह से अब एक जीन तीन तीन और तीन से ज्यादा फिनोटाइप कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है, तीन से ज्यादा फिनोटाइप कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है, तो ऐसे डिजीज को हमने नाम दिया है फिनाइल किटोनोरिया, ये ह्यूमन में होता है। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है तो उसमें क्या क्या होता है मतलब चेंजेस क्या क्या होता है, तो PKU मतलब फिनाइल किटोनोरिया मेकअप प्यूपिल हैव अ लोअर लेवल ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन वन टाइप ऑफ एंजाइम है जो मेलेनिन कम हो जाता है, मेलेनिन विच इज अ सब्सटेंस दैट गिव कलर टू हेयर एंड स्किन, जो मेलेनिन है वन टाइप का जो एंजाइम मतलब उसको हम पिगमेंट ह्यूमन की स्किन की हेयर की सारी सब जगह की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलेनिन जब कम हो जाता है तो जो जीन है उसके मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर चेंजेस आ जाता है, उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से चिल्ड्रन का रिजल्ट मोस्टली इन प्लाइस प्ले स्किन लाइट आइट लाइट हेयर डार्क स्किन एंड यूरिन प्रॉब्लम, कि उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं कि उसकी आंखें होती है वो लाइट दिखने लगती है, लाइट हेयर उसके हेयर है लाइट दिखने लगते हैं, डार्क स्किन हो जाती है, चिल्ड्रन के अंदर यूरिन प्रॉब्लम होने लगते हैं और उसका शेप भी बिगड़ने लगता है। यहाँ पे भी मैंने सिम्टम्स दिए है फिनाइल किटोनोरिया के, जिसके अंदर एक जीन है वो तीन तीन चार चार कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो मेलेनिन का लेवल है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक जो पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके
ओके, ये लास्ट है, द डिजीज इज कंफ्यूज बाय म्यूटेशन इन जीन द कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइल। एक हमारा एंजाइम है, एक हमारा एंजाइम है जो इस एंजाइम की वजह से ऐसा होता है, मतलब डिजीज कंफ्यूज। हम आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन, यहाँ पे बात आई म्यूटेशन की। द डिजीज कंफ्यूज बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम, मतलब ये डिजीज क्यों होता है। हमने बात की कि भाई एक ही जीन है, हमने अब तक बात की कि भाई एक ही जीन तीन तीन चार चार कैरेक्टर, मतलब मैनी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है, ऐसा क्यों होता है। वरना तो हमें पता है कि एक ही जीन होता है वो एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है। उसका मतलब ये है कि उस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मतलब कुछ चेंजेस हुआ है फिजिकली केमिकली, और मैंने बात की वो मेलेनिन की कमी के वजह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर एनवायरमेंटल कैरेक्टर भी इसमें इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से एक ही जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता है। तो द डिजीज कंफ्यूज बाय म्यूटेशन इन जीन, मतलब यहाँ पे जो हमने बात की है ह्यूमन डिजीज की फिनाइल किटोनेरिया की, तो उसका जीन जो चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम फिनाइल एलेनाइल हाइड्रोक्साइल, फिनाइल एलेनाइल हाइड्रोक्साइलेज, हाइड्रोक्साइलेज ये एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज, और सिंगल जीन म्यूटेशन इसके अंदर म्यूटेशन मतलब इसके जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो प्रॉपरली उसके अंदर वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता मतलब उसके अंदर जो उसका जीन है उसको कुछ अफेक्ट करता है, इफेक्ट करने के वजह से एक जीन मल्टीप्लाई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगता है। दिस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसकी वजह से जो एक जीन है वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय द मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो डिजीज जो ह्यूमन को डिजीज हुआ है उसको मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, मेंटल मतलब ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी हमने जो बात की वो मेलेनिन की वजह से मेलेनिन कम हो जाता है, इसकी वजह से भी ये जीन के अंदर चेंजेस आ सकता है। इसके लिए उसका हेयर और स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाती है और स्किन लाइट हो जाती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। यहाँ पे पॉलीजेनिक वर्सेस पिलियोट्रॉपिक ट्रेट्स की बात की है, तो पॉलीजेनिक तो हमें पता ही है कि एक ही जीन है, पॉलीजेनिक के बाद पता है कि ये जीन है तीन या चार, ये चार जीन है, ये चार जीन एक ही को इफेक्ट करता है, मतलब एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे पिलियोट्रॉपिक की बात करें तो सिंगल जीन है वो मेनी इफेक्ट और कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज हमने दो टॉपिक किए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पिलियोट्रोपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फिर से बता देता हूँ कि जो तीन से ज्यादा मतलब तीन से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा बन जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक ही जीन वो मल्टीप्लाई कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगता है तो वो हमारा बन जाता है पिलियोट्रॉपिक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टाटा। कल हम फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे, सेक्स डिटरमिनेशन। अगला टॉपिक हमारा होगा सेक्स डिटरमिनेशन। थैंक यू वेरी मच।